इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। कहते हैं कि रसूखदारों के लिए सरकारी नियम और अधिकारियों की कार्यशैली बदल जाती है। कुछ ऐसे ही देखने को राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में मिल रहा है। नाथद्वारा में नेशनल हाईवे 8 और नगर विकास के बिल्डिंग बायलोज के नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ रही है। नेशनल हाईवे के बफर जोन दायरे में निर्माण निषिद्ध होने के बावजूद भी रसूखदार बैरोक टोक निर्माण कार्य कर रहा है, लेकिन नगरपालिका एनएचआई के अधिकारी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर नाथद्वारा थाने के पास में प्रकाश चंद्र काबरा निर्माण कार्य करवा रहा है, जो कंट्रोल लाइन का उल्लंघन है। यह राजमार्ग संख्या 8 के सर्विस रोड के मार्ग अधिकार के नियम का उल्लंघन है। लैंड ऑफ ट्रैफिक 2002 की धारा 24-26 के तहत एनएचआई ने प्रकाश चंद्र काबरा को 14 जून को निर्माण कार्य रोकने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन लगातार मौके पर निर्माण जारी है। निर्माण रोकने की जिम्मेदार नगरपालिका भी इसे देखकर आंखें मूंदे बैठी है, जबकि निर्माण से कुछ ही कदम की दूरी पर हो रहे अन्य निर्माण के लिए नगरपालिका के नियमानुसार बफर जोन और सेटबैक छुड़वाया है। ऐसे में जहां एनएचआई ने महज नोटिस जारी करके खानापूर्ति कर दी, तो वहीं गरीबों के आशियाने पर पीला पंजा चलाने वाले नगरपालिका के अधिकारी इस निर्माण को देखकर मुखदर्शक बने हुए हैं। अब ये निर्माण अधिकारियों की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर रहा है।